इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए, और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई को मजबूत बनाने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी राष्ट्र के विकास के योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखे। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम 2014 में आए तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, जब भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नर पैजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो फिर तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकारों, तो परिणाम के साथ मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे, पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपए जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले, और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपये, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है, और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है तो नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिक को करा। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। वन रैंक वन पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है,
मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेल में उनके परिवार में पहुंचा है। सभी कैटेगरी, मैंने तो कुछ ही गिनाए, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, हर कैटेगरी पहले की तुलना में अनेक गुना हम देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया। और मेरे प्यारे प्रियजनों, इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज पांच साल के कार्यकाल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं है। मेरे प्यारे परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं, तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है, उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम आगे लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है। हमने जल जीवन मिशन हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। हमने आयुष्मान भारत योजना, ताकि गरीब को बीमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसीबत होती थी उसको मुक्ति दिलाना, उसको दवाई मिले, उसका उपचार हो, ऑपरेशन हो, अच्छे से अच्छी अस्पताल हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन, देश ने